हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 में। तो फ्रेंड्स, महर्षि दयानंद सरस्वती यानी कि MDSU यूनिवर्सिटी BA पार्ट वन का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। जी फ्रेंड्स, BA फर्स्ट ईयर का आज रिजल्ट जारी कर दिया गया है MDSU यूनिवर्सिटी ने। तो आज की स्टूडियो में बात करने वाले MDSU यूनिवर्सिटी BA पार्ट वन का रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है, इसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर आप रिजल्ट डेट यहाँ पर दे सकते हैं 7 अगस्त 2023 की डेट में रिलीज़ किया गया है, ठीक है। और यहाँ से आपको कैसे डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर आपको वेबसाइट का सर्वर भी की दिक्कत भी आपको यहाँ पर आ रही है, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको MDSU यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अपना रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है अपना गूगल ओपन कर लेना है। मोबाइल से चेक करें तो आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर अपना जो गूगल क्रोम है वो ओपन कर लेना है और इसमें आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है MDSU। यहाँ पर आप MDSU सर्च करेंगे तो पहला वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा MDSUexam.org, ठीक है। तो आपको इसमें क्लिक कर देना है और इसको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट भी यहाँ पर बहुत स्लो चल रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ यहाँ पर चेक कर रहे हैं अपना रिजल्ट, तो आपको यहाँ पर सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। इस तरह से आपको यहाँ पर रिजल्ट चेक करने में भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। आपको जो डायरेक्ट लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट हैं तो शायद आपको चेक करना नहीं आता। जिनको चेक करना आता है वो रिजल्ट चेकआउट कर लेना, और जिनको चेक करना नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, ताकि आपको रिजल्ट चेक करना सीख पाएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर वेबसाइट यहाँ पर ओपन नहीं हो रही है, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से जो है मैंने जो रिजल्ट चेक किया था उस समय मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था स्टेप का, तो मैं स्टेप बाय स्टेप जो भी है मैं आपको उसका तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो स्टूडेंट पैनल का ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जिसमें मेन एग्जाम सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2023, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो रिजल्ट पैनल है ये ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ईयर्स आपको सेलेक्ट करना होगा, 2023 सेलेक्ट कर लेना है। UGPG कोर्सेज में आपको यहाँ पर UG सेलेक्ट कर लेना है और रिजल्ट में आपको यहाँ पर क्लास आपको BA पार्ट फर्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे होंगे, इस तरह से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पहले 2022 से यहाँ पर 2023 सेलेक्ट करना है, सेकंड वाले में UG सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड वाले में BA पार्ट वन एग्जाम 2023, ठीक है, 001, ठीक है। तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर होनर्स का भी यहाँ पर जारी हो चुका है, उस जो भी होनर्स वाले कैंडिडेट हैं तो होनर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रिजल्ट प्रोसीड फॉर रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट क्लास सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं BA पार्ट वन का भी यहाँ पर जारी हो चुका है, ठीक है। BA सेकंड ईयर का भी यहाँ पर जारी हो चुका है और BCom का पहले यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो BA होनर्स का भी यहाँ पर जारी हो चुका है, ठीक है। तो ऊपर स्क्रीन शॉट में रह गया है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बाद रिजल्ट फॉर प्रोसीड के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट का जो डायरेक्ट लिंक है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो तरीके से अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं, एक तो आपका यहाँ पर रोल नंबर से और अपनी मम्मी के नेम से, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर नहीं है तो अपने नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आपको नेम से चेक करने के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट वाला ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं दो नेम आपको यहाँ पर डालने होंगे, एक तो आपका नेम डालना है, आपके पिताजी का नेम ही नीचे डालना है। इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने पहला नाम यहाँ पर पहला अक्षर यहाँ पर लेटर यहाँ पर इंटर किया है, तो इसलिए बहुत सारी लिस्ट यहाँ पर ओपन हो रही है। यदि आपका और आपके पिताजी का फुल नेम यहाँ पर इंटर करेंगे तो केवल आपका ही यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी नेम है आपके नेम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा। डायरेक्ट लिंक से यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, यानी कि आपका रिजल्ट एक बार में ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पेज को इस तरह से यहाँ पर ऊपर से खींचेंगे नीचे की तरफ, तो रिफ्रेश करते रहना है। रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसको PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते ऑप्शन दिया गया है क्लिक हियर टू प्रिंट रिजल्ट का, यहाँ पर क्लिक करके अपना जो इसका जो PDF है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर MDSU यूनिवर्सिटी BA फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप
प्रोसेस बता दिया है। वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सभी प्रकार के लिंक अवेलेबल हैं, ठीक है। और यदि आप मेरे द्वारा भी रिजल्ट चेक करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि अपनी डिटेल्स आपको कैसे सेंड करना है, ठीक है। जिसको भी रिजल्ट चेक करवाना है तो आपको कमेंट में बताना है कि रिजल्ट चेक करें, ठीक है, तो आपको रिजल्ट चेक करके बता दूंगा, ठीक है। उसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।